हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम देखेंगे भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि आँख साफ साफ देख सकती है, यानी दूरदृष्टि वाले व्यक्ति किस वस्तु को साफ साफ देख सकती है। तो दूरदृष्टि वाले व्यक्ति दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं और निकट की वस्तु को वह साफ साफ नहीं देख पाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में होता है क्या कि निकट की वस्तु को देख पाएंगे और दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं, तो यह होता है निकट दृष्टि दोष। तो आपसे पूछ रहा है कि दूरदृष्टि दोष आँख साफ साफ देखते हैं तो दूर की वस्तुओं को। सेकंड क्वेश्चन है कि मनुष्य की आँख वस्तु का प्रतिबिंब निम्न से किस भाग पर बनाती है। तो यह बनाती है रेटिना पर। मनुष्य के आँख में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है कौन सा लेंस। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष वाले के चश्मे में होते हैं अवतल लेंस, यानी वह निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं, इसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो इसका उपचार किया जाता है आपको अवतल लेंस लगाकर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी है, यह होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेत्र के किस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अभी हम लोग देखे हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि दीर्घ दृष्टि के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष में होगा उत्तल लेंस, ऑप्शन ए हो जाएंगे। निकट में अवतल लेंस और दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है बाइफोकल लेंस, ऑप्शन डी है सिलिंड्रिकली लेंस। तो 7 को हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सिलिंड्रिकली लेंस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति, ऑप्शन ए है सभी चीज़ों को ठीक से देख पाते हैं, यह तो गलत है। सेकेंड है किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से नहीं देखते हैं, यह भी गलत है। सी है दूर की चीज़ों को अच्छी तरह से देख सकता है। डी है समीप के वस्तु को अच्छी तरह देख सकता है। तो निकट दृष्टि दोष है यानी वह निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा, यह होगा ऑप्शन डी, निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख पाते हैं। नेक्स्ट है, विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित होती रहती है। तो यह होती है ऑप्शन बी होगा सिलियरी मांसपेशियों द्वारा, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा होता है। नेक्स्ट है, आँख व्यवहार करता है अवतल दर्पण की तरह, अवतल बी है उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी है समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी है अवतल लेंस की तरह। तो आँख बिहेव करते हैं उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति यानी दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे, दूर की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। नेक्स्ट है, सामान्य आँख के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब, ऑप्शन ए है आभासी और सीधा होता है, ऑप्शन बी है वास्तविक और सीधा होता है, ऑप्शन सी है वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन डी है आभासी और उल्टा होता है। तो आँख पर प्रतिबिंब बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र के उस गुण को जो भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है कहा जाता है, यह कहता है समंजन क्षमता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को संचारित की जाती है, ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है,
श्वेत प्रकाश कितने रंग के मेल से बना होता है? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, 7 होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सूर्य के श्वेत प्रकाश में वृक्षों की पत्तियों हरी नज़र आती हैं, क्यों? जब हम सूर्य के प्रकाश में देखते हैं वृक्ष की पत्ती हरी नज़र क्यों आती है? ऑप्शन ए है, पत्तियों का रंग हरा होता है। ऑप्शन बी है, देखने में भ्रम होता है। ऑप्शन सी है, हरे रंगों की किरण का परावर्तन होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, हरे रंगों का किरण का क्या होता है, परावर्तन होता है, जो मेरे आँख के रेटिन पर आकर प्रतिबिंब बनाते हैं, इसीलिए हमको पेड़ की पत्तियाँ हरी दिखाई देती है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। कोई भी वस्तु को हम इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि वह प्रकाश से रिफ्लेक्ट होकर मेरे आँख पर प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणों भिन्न विभिन्न रंगों में टूट जाती है, क्योंकि प्रिज्म के 2 सतह पर किरणों का अपवर्तन होता है। प्रिज्म के 2 सतह पर किरणों का विचलन होता है। ऑप्शन सी है, प्रकाश तरंगे विद्युत तरंगे हैं। ऑप्शन डी है, विभिन्न रंगों के किरण का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो 17 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिज्म के 2 सतहों से किरणों का विचलन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम है, यानी प्रकाश के किस वर्ण यानी किस कलर का तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक होता है? तो हम जब प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो सबसे कम विचलित होता है आपको लाल, तो रेड होता है सबसे कम विचलित, इसीलिए इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो रेड का वेवलेंथ यानी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, वैगनी का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है। तो सबसे कम विचलित क्या होता है, रेड, सबसे अधिक विचलित वैगनी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का अवयव रंग में टूटने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण, क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट है, नेत्र में यानी आँख में किसी वस्तु का कैसे प्रतिबिंब बनता है? तो यह बनता है आपको वास्तविक, उल्टा और छोटा, ऑप्शन सी हो जाएंगे, वास्तविक, उल्टा और छोटा। नेक्स्ट है, आँख अपने लेंस की फोकस दूरी बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, आँख के इस गुण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सामंजस्य क्षमता, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न दूरी के वस्तुओं को प्रतिबिंब फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तो यह होता है ऑप्शन सी होगा, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? यह क्वेश्चन अच्छा है, कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, यानी आपके क्या है कि फोकस दूरी कम हो गया, तो यह होता है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन ए हो जाएंगे, निकट दृष्टि दोष, यानी हम निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाएंगे लेकिन दूर की वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे, जब मेरे आँख की फोकस दूरी कम हो जाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दृष्टि दोष के में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो जब रेटिना के पीछे बनेगा प्रतिबिंब तो यह होता है दूर दृष्टि दोष, यानी हम जिसमें दूर की वस्तु को देख पाएंगे लेकिन निकट की वस्तु को नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अब यहाँ देखो, अवतल उत्तल नहीं दिया, यहाँ क्या दिया, अभिसारी अपसारी, तो अभिसारी अपसारी क्या कहें, दूर दृष्टि दोष, यानी दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाएंगे लेकिन निकट की वस्तु को वह साफ साफ नहीं देख पाएंगे, तो इसमें लगाते हैं हम उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं, इसमें क्या लगता है, उत्तल लेंस, तो हम उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, ऑप्शन ए हो जाएंगे।
तो ध्यान रखेंगे कभी कभी आपको उत्तल लेंस न देकर अभिसारी लेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन सी। एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है? एक प्रिज्म में कितने सतह होते हैं? तो एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं, 5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण यानी रंग सबसे कम विचलित होता है, तो सबसे कम विचलित होता है आपको रेड और सबसे अधिक बैंगनी। प्रकाश के किन वर्ण या रंग के लिए तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है यानी मैक्सिमम होता है? तो रेड का होता है, सबसे अधिक किसका होता है? लाल का होता है, सबसे कम बैंगनी का। तो तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे अधिक लाल का होता है। श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, अभी हम बताए हैं कि सबसे अधिक क्या विचलित होता है, बैंगनी, सबसे कम रेड। नेक्स्ट है, नेत्र के किस दोष को दूर करने में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग हम करते हैं निकट दृष्टि दोष में, किस में करते हैं? निकट दृष्टि दोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? तो अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होते हैं सिलेंडरी लेंस, ऑप्शन डी हो जाएंगे। जो सिलेंडरिकल टाइप का लेंस होता है इसका उपयोग हम अबिंदुकता के उपचार के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति क्या करते हैं? समीप वस्तु को अच्छी तरह से देख पाते हैं, ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिमाण को नियंत्रित करता है, तो परिमाण को कौन नियंत्रित करता है? यह कहता है आइरिस। हमारे आँख में जो प्रकाश प्रवेश करते हैं इसके परिणाम को कौन नियंत्रित करता है? आइरिस। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करता है? तो यह पुतली से होकर प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन कौन करता है? मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन कौन करता है? तो मानव में नेत्र में कॉर्निया तथा लेंस दोनों करते हैं, ऑप्शन सी होंगे। नेक्स्ट है, रेटिना पर बनते प्रतिबिंब के विद्युत संकेतों में कौन बदलता है? रेटिना पर बने प्रतिबिंब को विद्युत संकेत कौन होता है? रॉड और कॉन्स, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी नियत होती है, यह कथन क्या है? असत्य है। क्यों? वह मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी बदलती रहती है। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला होने का कारण है? आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है यानी क्यों होता है? तो आकाश का रंग नीला होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन बी हो जाएंगे। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस किस दृष्टि दोष का निवारण करता है? तो यह उत्तल लेंस आपको क्या होगा? यह होगा दूर दृष्टि दोष। उत्तल लेंस किस में उपयोग होगा? दूर दृष्टि दोष, यानी वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाएंगे, निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट है, द्विफोकसी लेंस किस दृष्टि दोष का निवारण करता है? तो यह करता है जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है? प्रकाश के घटक तरंगों में टूटना कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है बीच, क्या कहलाता है? परिक्षेपण। प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना प्रक्षेपण कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का परिक्षेपण पैदा करने के लिए
आवश्यक है कि उसमें विचलन भी हो। क्या हो? विचलन भी हो। नेक्स्ट है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10^-10 मीटर। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10^-10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने में आवश्यक है कि सूर्य की किरणों में निम्नलिखित बातों हो। ऑप्शन ए है अपवर्तन, बी है परावर्तन, सी है अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों, ऑप्शन डी है अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, इंद्रधनुष बनने के लिए अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना जरूरी है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? तो इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा होता है बैंगनी का, अंदर वाले होते हैं बैंगनी का, बाह्य वाले होते हैं रेड का। नेक्स्ट है, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? रेड का। क्यों किया जाता है? तो खतरे के निशान के रूप में हम रेड का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि लाल रंग का ना पर लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, इसीलिए खतरे के निशान के रूप में हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।